हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल। डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर हुज मास m एंड रेडियस r। तो इसका अगर ये प्रॉब्लम पूछ लिया जाए, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी और ये इसका रेफरेंस जो लेवल है वो अर्थ है। तो ये माना जाता है कि इसका यू इनिशियल जो है क्या है, जीरो है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यू इक्वल टू होता है एम जी एच। इसमें एम है कैपिटल एम, जी एच क्या रखा जाए, एच के स्थान पर आपको यह देखना कि सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर का ये होता है सेंटर ऑफ मास। अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास सॉलिड स्फीयर का ये सेंटर पर ही होता है। अगर सेंटर पे होता है तो जाहिर है सेंटर की ऊंचाई क्या है, उसकी रेडियस के बराबर है। तो यहां पर एम जी आर रखा जाएगा, यू इक्वल टू एम जी आर। तो पहला सवाल जो बहुत छोटा शुरुआत किए हम वो है एम जी आर। अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है ये तो उस चैप्टर में बताया जाएगा। बहरहाल अभी के लिए इतना केवल समझें कि वह बिंदु जिस पर टोटल मास को केंद्रित माना जा सके उसी को कहा जाता है सेंटर ऑफ मास। तो सॉलिड स्फीयर में सेंटर पर यह माना जा सकता है कि टोटल मास वहां पर है। तो जाहिर है कि इसमें अब इस सवाल में कोई विशेष प्रॉब्लम था नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो है सेंटर ऑफ मास, इसका टोटल द्रव्यमान कहां पर केंद्रित हमको मिलेगा। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अगले चैप्टर में सॉल्व हो जाएगा। बहरहाल अभी के लिए केवल माने कि सॉलिड स्फीयर में जो उसके सेंटर पर ही टोटल मास होता है, तो उसकी जो पृथ्वी जो अर्थ से ऊंचाई ली जाएगी वो एच ली जाएगी, और एच किसके बराबर है, आर के बराबर होगा। तो पहला सवाल आपका यही हुआ। हाँ विद्यार्थी, दूसरा सवाल देखा जाए। इफ पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू 3x² + 4y, देन व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एट पॉइंट 2, 3। तो ये पोटेंशियल एनर्जी दिया है और फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स सॉल्यूशन में जो कंजर्वेटिव फोर्स का फार्मूला होता है एफ इक्वल टू माइनस डी यू डी डी एक्स ऑफ यू आई कैप प्लस डी डी वाई ऑफ यू जे कैप। यहां हम लोग जेड वाला पोर्शन नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें एक्स वाई है, जेड नहीं है। अगर पोटेंशियल एनर्जी में जेड वाला भी होता डी डी जेड ऑफ यू के कैप, ये हम फार्मूला लगाते हैं तो हमारा इसमें से यहां काम चल जाएगा। तो यहां यही फार्मूला है, इसी की सहायता से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ यू के स्थान पे वैल्यू 3x² + 4y आई कैप प्लस डी डी वाई ऑफ यू 3x² + 4y जे कैप प्लस तो 3x² एक्स के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हो जाएगा 6x। 3 बाहर ले लेंगे और एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x, तो 3 × 2 = 6x और बस वाई का 0 हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। अब की बार एक्स 0 हो जाएगा, एक्स हमारे लिए कांस्टेंट है, वाई के सापेक्ष वाई का डिफरेंशिएशन होगा, 4 बाहर लेंगे, वाई के सापेक्ष वाई का 1, मतलब 4j कैप इतना आ रहा है। ये वेक्टर एफ बराबर इतना आ रहा है। तो एट पॉइंट 2, 3 वेक्टर एफ एट पॉइंट 2, 3 हाँ इस पॉइंट पर आपको बताना है।
तो एक्स के स्थान पे रखा जाएगा टू, वाई के स्थान पर रखा जाएगा थ्री। तो वाई वाला पोर्शन यहां है नहीं, तो हम लोग लिखेंगे सिक्स गुणे एक्स के स्थान पे टू, आई कैप प्लस फोर जे कैप। तो ये हमारा आगे अंदर गुणा करेंगे माइनस ट्वेल्व आई कैप माइनस फोर जे कैप। ये वेक्टर यह बराबर आया है, वेक्टर यह बराबर इतना आ गया। और मैग्नीट्यूड कह रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड आपको अगर लेना है तो यह बराबर है वेक्टर एफ का मॉड, ये होता है आई के गुणांक का स्क्वायर, मतलब 144 प्लस 16, चार वर्ग 16। आई के गुणांक का स्क्वायर करेंगे प्लस जे के गुणांक का कोफिशियंट का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे और उसके बाद स्क्वायर रूट लेना है। तो ये हो जा रहा है अंडर रूट 6 4 10 0 1 5 6 160 आ रहा है। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 16 × 10, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, अंडर रूट 10 आएगा। यस, तो बस यही आपको, ये फार्मूला आपको आपकी जानकारी में होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स एफ इक्वल टू ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला अगर याद है तो जाहिर कि इसमें रखिए और अच्छा खासा सोल्यूशन कीजिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल हमसे कह रहा है डिटरमाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड ऑफ ए यूनिफॉर्म वर्टिकल मासियम एंड लेंथ एल। तो एक रॉड है, इसका मासियम लेंथ एल है, ये वर्टिकल खड़ा है, रेफरेंस लेवल, इसका रेफरेंस लेवल ये है, तो ये है, तो जाहिर यहां पोटेंशियल क्या माना गया है, जीरो होता है। अब इसका हमें पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, तो जाहिर है भाई यहां भी अगर हमें सेंटर ऑफ मास इसका पता हो जाए तो एम जी एच, एच के स्थान पे सेंटर ऑफ मास कितनी ऊंचाई पर होता है, तो राड का सेंटर ऑफ मास जो है उसके मिडिल पॉइंट पे होगा, तो एम जी एल बाई टू आंसर हमारा हो जाएगा। थोड़ा इसको डेरिवेशन करके देखते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट आता है डीएम कॉन्सेप्ट। डीएम कॉन्सेप्ट में ये होता है, जैसे यहां पे हम एक छोटा सा पट्टी काट लेंगे, इसका मास हम मानेंगे क्या, डीएम, एक छोटा सा मास ले लेंगे और ये चलो इस पट्टी की जो ऊंचाई है एक्स मान लेते हैं, और ये एक्स अर्थ से एक्स ऊंचाई पर होगा। हां, तो डीएम बराबर होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, तो ये है मास डीएम पर यूनिट लेंथ डी एक्स, या मास पर यूनिट लेंथ, ये भी चल जाएगा। एल लेंथ का मास एम है, तो यूनिट लेंथ का मास एम अपान एल, वही हमारा डीएम के बराबर है। अगर डीएस लेंथ का मास, जैसे हम लोग जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अगर ये कोई कहे कैपिटल एम लेंथ का मास है, एल लेंथ का मास है कैपिटल एम, तो क्या यूनिट लेंथ का मास है एम अपान एल, इस टाइप से हो जाए, और यूनिट लेंथ का मास आपका ये भी है, तो डीएम अपान डीएक्स, तो वो उसके हम क्या कर देंगे बराबर। तो एक कंसेप्ट ये है जिसका हम लोग ख्याल करेंगे, डीएम कंसेप्ट, जिसका आगे हम सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में विधिवत उपयोग करेंगे, लेकिन यहां पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा देखें। हाँ चलें देखें, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी डी यू बराबर होगी एम जी एच, तो डी एम जी एच ये है। अभी हमें कोई चीज जानकारी नहीं है, जी एच के स्थान पे यहां क्या रहेगा, यक्स रहेगा, जीएम के स्थान पे यहां एच के स्थान में क्या रहेगा, एच एक्स रहेगा। तो अब ये वैल्यू डीएम हमें हटाना है, डीएम हमें हटाना है, तो एक्स डिस्टेंस पर जो ये डीएम पॉइंट लिए हैं, और तो जब उसका डीएम का मान हमें मालूम हो जाएगा तो हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमें मालूम हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो लेंथ से या लेंथ के लिए कर देंगे, पूरा रॉड हमारा कवर हो जाएगा, यही काम हमें करना है। यहां देखें, चूंकि
मास ऑफ एल लेंथ, मास ऑफ एल लेंथ, एल मास ऑफ एल लेंथ इज इक्वल टू है कैपिटल, मास ऑफ एल लेंथ इज इक्वल टू है कैपिटल एम। इसलिए मास ऑफ यूनिट लेंथ, मास ऑफ यूनिट यूनिट लेंथ एम अपान एल, और मास ऑफ यूनिट लेंथ जो है किसके बराबर है, डीएम अपान डीएक्स के भी बराबर है। तो यहां से हम लिखेंगे डीएम अपान डीएक्स इज इक्वल टू कैपिटल एम अपान एल। तो यहां से हो जाएगा डीएम इज इक्वल टू हो जाएगा एम अपान एल इंटू डीएक्स। तो हम लोग इसमें डीएम के स्थान पे अब यही सिंबल प्रयोग करेंगे, बस केवल डीएम की तलाश करनी थी हमें, ये चीज यहां पे हम प्रयोग करेंगे। तो ये du बराबर हो जाएगा स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी जो x डिस्टेंस माने हैं, ये हो जाएगा m अपान l dx, उसके बाद gx पहले से है ही है, ये हो गया। या इसे लिख सकते हैं m gx अपान l, और यहां क्या हो जाएगा dx। तो ये du स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी एक आया, एक स्ट्रिप हमने काट लिया वहां से ले लिया, और उसका उसकी जो लेंथ मान लिया वो dx है, उसका मास है dm, उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी हमें पूरी रॉड का चाहिए, तो पूरे रॉड का चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड, तो ये पूरा u ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा du जीरो से एल, ये कंसेप्ट प्रयोग करना है। तो जीरो से एल डी यू के स्थान पे ये वैल्यू लिखना है एम जी एक्स अपान एल, और यहां डी एक्स, तो एम जी अपान एल ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और एक्स हमारा वेरिएबल है क्योंकि एक्स ही जीरो से लेकर पूरा यहां एल लेंथ तक जाएगा। तो जो कांस्टेंट है उसे हम लोग बाहर निकालेंगे, आगे देखते हैं। तो ये है एम जी अपान एल, ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिए, तो अब हमारा अंदर बच रहा है एक्स डी एक्स, बच रहा है एक्स डी एक्स, बच रहा है एम जी अपान एल एक्स डी एल, एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर अपान, सॉरी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपान टू, जीरो से एल होता है। अब जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता है वो मैथमेटिकल का मैथमेटिकल टूल्स का वीडियो देख कर आए, यह हम बता देते हैं, x घाते n dx का इंटीग्रेशन होता है x घाते n प्लस वन अपान n प्लस वन प्लस c, ये तो m g अपान l, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो l स्क्वायर बाय टू माइनस जीरो, तो एक l से l कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे जो आंसर आ रहा है m g l बाय आपका आंसर। तो अगर आपको यह पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां है, जहां पर टोटल मास को सेंट्रोइड माना जा सके, तो वही एम जी एच, इसका टोटल मास एम है, टोटल मास वो कैपिटल एम में लिखा है, तो कैपिटल एम ही आप लिखिए हर जगह कैपिटल लेटर में एम, यस एम जी एल अपॉन टू हो जाएगा। तो इसका मतलब रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां है, L by 2 डिस्टेंस पर होता है। तो अब तक तो हम सेंटर मास नहीं जानते थे, अब प्रूफ के साथ कह सकते हैं कि L by 2 टोटल लंबाई अगर रॉड का L है और उसका सेंटर ऑफ मास कहां होता है, L by 2 डिस्टेंस पर, यहां से ये भी पता चल गया। तो ये हमारा आया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, चौथा सवाल देखा जाए, चौथा सवाल कह रहा है डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड इन गिवन पोजिशन। तो एक रॉड है, इसका मास m, लेंथ l है, और ये ग्राउंड से थीटा एंगल पर रखा हुआ है, ये रेफरेंस लेवल है, इनिशियल पोजीशन हमारा है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना गया है, यस। तो इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए इस पोजीशन पर, तो फिर वही डीएम कांसेप्ट आपका है, एक छोटा सा एलिमेंट मास का काट लेते हैं डीएम, ये काट लेते हैं, और इसकी यहां से डिस्टेंस मान लेते हैं
यस, और ये हो जाएगा यक्स, ये आपका डीएम है। यस, तो अब इसकी हमें क्या ज्ञात करनी होगी, यहां से इसकी हाइट पता चल गई होगी, क्योंकि जो छोटा सा हम लोग छोटा सा एलिमेंट काटे हैं, इस एलिमेंट की जो छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी होगा डीएम जी एच, एच एक ऊंचाई चाहिए हमको, तो ये डायगोनल के साथ हो जाएगा कितना, एक्स साइन थीटा, इसका बेस हो जाएगा एक्स कॉस थीटा जिसकी हमें आवश्यकता नहीं, इसका डायगोनल हो जाएगा, इसका बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा डायगोनल के साथ एक्स साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यहां से देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वही एच अपॉन ये, तो एच हो जाएगा एक्स साइन थीटा, क्योंकि नहीं जानकारी में वो लोग देख ले, तो हाइट का पता चल गया। अब हाइट का पता चल गया तो एम जी एच, एच के स्थान पे हम प्रयोग करेंगे क्या, एक्स साइन थीटा, एक छोटा सा आया पोटेंशियल एनर्जी है डीएम मास का, और हमें पूरे राड का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो इसके लिए फिर डीएम कॉन्सेप्ट पर गौर करना चाहिए। चलिए पहले हम डीएम की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि मास ऑफ एल लेंथ इज इक्वल टू है कैपिटल एम, इसलिए मास ऑफ यूनिट लेंथ इज इक्वल टू एम अपॉन कैपिटल एल, और मास ऑफ यूनिट लेंथ इज इक्वल टू होता है, ये होता है डीएम अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन एल, यहां से डीएम हम लोग निकाल लेंगे, डीएम इज इक्वल टू हो जाएगा एम अपॉन एल इंटू क्या डी एक्स, बस खत्म। आप हमेशा ध्यान दीजिए पूरी एल लंबाई की राड का मास कैपिटल एम है, इसलिए यूनिट लेंथ का राड यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा कम, कम के लिए एल से डिवाइड करेंगे, और यूनिट लेंथ का मास जो बराबर होता है डीएम अपॉन डी एक्स के भी बराबर होता है, तो इसको यूनिट लेंथ मास के स्थान ये रख देंगे, और यहां से डीएम हमारा पता चलेगा। तो इस छोटे से मास का ये आया, हाँ छोटे से मास की वैल्यू आई, तो डीएम के स्थान पर डीएक्स वाले लेंथ वाले डीएक्स का मास जो आएगा डीएम ये इतना होगा पूरे का, तो ये यहां डीएम के स्थान पर हम लोग प्रयोग करेंगे, तो डीएम के स्थान पर लिखना है कैपिटल एल अपान एल, एल कैपिटल लेटर में हमने लिखा है तो यहां भी क्या लिखना चाहिए कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए, सिमिलरिटी बनाए रखें, डीएम के स्थान में अपान एल डीएक्स, ये हो गया। उसके बाद जो लोग पहले से हैं जी एक्स साइन थीटा, थोड़ा सा सफाई कर लें, एम एम जी एक्स अपान एल, उसके बाद साइन थीटा, ये डी यू इक्वल टू आया। स्मॉल एलिमेंट जो हमने काटा है डीएम उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी आई, और हमें पूरे राड की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ राड इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये पूरा लेंथ कवर करेंगे जीरो से एल, ये हो जाएगा डी यू। चलिए वैल्यू को रखते हैं, इसका वैल्यू रखेंगे एम जी एक्स साइन थीटा अपान कैपिटल एल है तो रहेगा, यस और ये है यहां पे डीएक्स भी है, ध्यान दें एम अपान एल यहां डीएक्स है, तो लास्ट में क्या लिखना चाहिए था डीएक्स यहां होना चाहिए था, यहां डीएक्स है, तो जो वैल्यू कांस्टेंट है उसे हम लोग बाहर कर लेंगे, हमारे पास जो कांस्टेंट है एम जी साइन थीटा अपान एल, ये वेरिएबल नहीं है, इसको बाहर करते हैं, एम जी साइन थीटा अपान एल ये कांस्टेंट है, तो बच रहा है एक्स डी एक्स जीरो से एल लेंगे, तो ये है एम जी साइन थीटा अपान एल कांस्टेंट है, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान टू जीरो से एल लगा देंगे, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, तो एम जी साइन थीटा अपान एल
ये लिमिट है जीरो से एल, एल मतलब यहां पे कैपिटल एल है, हर जगह ये ध्यान दें कैपिटल एल है, कैपिटल एल दिया हुआ है, तो कैपिटल एल स्क्वायर बाय टू माइनस जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक एल से एक एल कट जाएगा। जो आंसर आपका आ रहा है यू बराबर एक एल से कटेगा तो एम जी साइन थीटा बाय टू, एम जी साइन थीटा बाय टू और एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा वहां, तो इसे एक बार और लिख लें सफाई से, वन बाय टू एम जी एल साइन थीटा। तो पूरे राड की जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो ये। तो ये डीएम कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माना किसी को नहीं, हाँ थोड़ा सा अगर कम भी समझ रहा है तो आगे चल के सेंटर ऑफ मास पे इसकी और जानकारी वहां से देखने को मिलेगा, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, पांचवा सवाल देखा जाए। पांचवा सवाल कह रहा है डिटरमाइन फोर्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू माइनस एक्स वाई। तो कंजर्वेटिव फोर्स बराबर जो आपको फार्मूला बताया गया माइनस डी डी एक्स ऑफ यू आई कैप प्लस डी डी वाई ऑफ यू जे कैप प्लस डी डी यू डी डी जेड ऑफ यू के कैप। तो संयोग से यहां इसमें केवल एक्स वाई दो ही टर्म है, जेड वाला नहीं है, तो आप उसे न लिखें। हाँ इसी फार्मूले में रखना, इसकी सहायता से फोर्स आ जाएगा। चलिए रखते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई आई कैप प्लस डी डी वाई ऑफ यू एक्स वाई जे कैप। यस, तो एक्स के सापेक्ष एक्स का करेंगे, वाई कांस्टेंट होगा उसे बाहर कर लेंगे, तो वाई कांस्टेंट एक्स के सापेक्ष, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है एक, तो लिखना कोई मतलब नहीं है। ये आया आई, y के सापेक्ष y का करेंगे उसके लिए x कांस्टेंट होगा, x कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, y के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन एक होता है या g कैप। यस, तो फोर्स f इक्वल टू आया माइनस y i कैप माइनस x j कैप। फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर आपको चाहिए तो f बराबर होता है वेक्टर f का मैग्नीट्यूड लेना होता है, ये i के गुणांक का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये रहा आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड और ये फोर्स वेक्टर फॉर्म में है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, छठवां सवाल देखा जाए। छठवां सवाल कह रहा है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये एक कोई चेन है जिसका मास यम है, ये पहले वाले केस में एच हाइट पर है पूरा यम मास, और यही चेन वर्टिकली रखा हुआ है दूसरे केस में एच हाइट पर, अब यही चेन रख दिया गया तीसरे केस में पूरा ग्राउंड पर। यह है रिफरेंस लेवल, इसे कहा जाता है रिफरेंस लेवल, और रिफरेंस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है जीरो होता है, यह माना गया है। तो फर्स्ट केस में पोटेंशियल एनर्जी यू वन, पोटेंशियल एनर्जी हम देख रहे हैं टोटल मास एच हाइट पर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच हो जाएगी, और सेकेंड वाली की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, अभी हम लोग सेंटर ऑफ मास इस टाइप से ऊंचाई पर लिए, सेंटर ऑफ मास पूरी हाइट के आधा होता है, तो ये हो जाएगा एम जी एच बाई टू, मतलब एल बाई टू पर आपको सेंटर ऑफ मास हम अभी ज्ञात किए हैं, आया था एक प्रॉब्लम में। यस, अब ये टोटल मास जो है ग्राउंड पर है तो जाहिर है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जीरो, एम जी एच एच इक्वल टू जीरो, और ये ग्राउंड को हमारा रेफरेंस लेवल माना गया है, तो इसका आंसर होगा U1 इज ग्रेटर देन क्या, U2 इज ग्रेटर देन U3। U1 का मान सबसे ज्यादा है, उससे कम ये है और सबसे कम ये है। तो ये रहा डिक्रीजिंग ऑर्डर में पोटेंशियल एनर्जी, ये भी कंसेप्चुअल सवाल है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, सातवां सवाल देखा जाए। इन स्ट्रेचिंग ए स्प्रिंग बाय 2 सेंटीमीटर एनर्जी स्टोर्ड इज गिवन बाय यू, देन स्ट्रेचिंग
by 10 centimeter energy stored will be U5 U upon 25 at last 25 U. तो ये कह रहा है कि अगर 2 सेंटीमीटर स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर अगर हम स्ट्रेच करते हैं खींचते हैं तो ऐसी दशा में पोटेंशियल एनर्जी आपका आ रहा है जो स्टोर्ड एनर्जी है वो यू हो रहा है। अगर 10 सेंटीमीटर खींचेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर्ड होगा, जाहिर है ज्यादा होगा, जाहिर है कि ज्यादा होगा, यू से ज्यादा होगा। तो जाहिर कि ये दो आंसर तो एकदम गलत है, ये दो आंसर, 2 सेंटीमीटर खींचने पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और 10 सेंटीमीटर खींचने पर बहुत ज्यादा होगी, तो ये दोनों तो एकदम गलत है। ये तो बिना हल किए, अब ये इसी दो में से हल करना है और ये भी जाहिर कि सही नहीं हो सकता क्योंकि बस बहुत थोड़ा सा ही बढ़ाया है, वास्तव में तो ये होगा बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा वाली वैल्यू होगी। ये दोनों तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, बचता ही ये दोनों, इसी दो में से करना है, तब भी 50% चांस है अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है। जिनका कंसेप्ट क्लियर रहता है वो ऐसे भी टिक लगा लेते हैं। बहरहाल हम सॉल्व करते हैं, तो स्प्रिंग वाला केस पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यू वन एक्स वन कर देते हैं, इक्वेशन वन मान लीजिए अभी, और दूसरे वाले केस के लिए यू टू मान लीजिए हाफ के एक्स टू स्क्वायर डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाई इक्वेशन वन, तो ये हो जाएगा यू टू अपॉन यू वन इक्वल टू इतने में से इतने भाग, तो ये एक्स टू स्क्वायर अपॉन एक्स वन स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यू रखते हैं यू टू, यस पहले वाले केस में कि यू टू तो हमें फाइंड करना है, यू वन हमको दिया है यू, चलिए यह है एक्स टू स्क्वायर, एक्स टू मतलब दूसरा 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का स्क्वायर अपॉन पहला है 2 का स्क्वायर, इतना आया, तो U2 इक्वल टू हो जाएगा 10 का वर्ग 100, 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4 इंटू यू, तो हो जाएगा 25 U, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अच्छा सवाल था, इस टाइप से आपको ध्यान देना चाहिए ऑप्शन के लिए, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, लास्ट सवाल, पोटेंशियल, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन, चेन की पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करना है। तो ये आपका हाफ सर्किल है, यहां पे चेन रखा हुआ है, हाफ के हाफ में रखा हुआ है, और यहां पे इसका रेडियस आर है, तो यहां भी रेडियस आर है, आर वेरिएबल नहीं, हर जगह कांस्टेंट है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करनी। पोटेंशियल एनर्जी वही यू इक्वल टू एम जी एच होता है, ये हमारा रेफरेंस लेवल है, ये हमारा रेफरेंस लेवल है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना जाता है। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, तो यहां पे एक छोटा सा डीएम मास काट लेंगे, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी, छोटा पोटेंशियल एनर्जी होगा डीएम एम जी एच। अब इसकी ऊंचाई हमें पता ही नहीं है, क्या किया जाए, इसकी ऊंचाई के लिए एक डीएम मास काट लेते हैं, एक डीएम मास यहां पे ले लेते हैं, एक यहां डीएम मास ले लेते हैं, हम लोग डीएम मास ले लेंगे, और जो काटे हैं इसकी जो चौड़ाई होगी यहां पे डीएम मास वो डीएक्स है, और ये पूरा ये एंगल है थीटा, और ये छोटा सा एंगल डीएक्स वाला मान लेंगे क्या डी थीटा, बस इतना ज्ञात करना है। अब यहां से इसकी हाइट हम ज्ञात कर सकते हैं, इसकी हाइट हम ज्ञात कर सकते हैं, ये भी कैपिटल आर है, तो इतना हो जाएगा आर कॉस थीटा, इसकी हमें आवश्यकता नहीं, इसकी हाइट अगर लिखना चाहें कैपिटल आर साइन थीटा, ये व्यवस्था हमारे पास होगी, डायगोनल के साथ परपेंडिकुलर होता है आर साइन थीटा, यस, तो ये ऊंचाई हम लोग यहां प्रयोग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा डी एम जी इंटू आर साइन थीटा, यस, आर हमारे लिए वेरिएबल नहीं, वो भी कांस्टेंट है, अगर कोई चीज यहां वेरिएबल हो रहा है तो वो हो रहा है थीटा, थीटा हो रहा है। तो देखिए विद्यार्थी, हमें इंटीग्रेशन करना है जीरो से लेके पाई बाई टू तक, यहां से पाई होता है पूरा टू पाई होता है, ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि चेन जीरो से पाई बाई टू, जीरो एंगल यहां शुरू होता है, ये थीटा ही वेरिएबल है, पूरा कवर कर लेगा, 90 पर ले जाएंगे तो पूरा चेन हमारा कवर हो जाएगा। तो ये देखते हैं एंगल को, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क हो जाएगा डीएस अपॉन रेडियस कैपिटल आर,
तो अगर आपको डीएक्स चाहिए कि उसका लेंथ कितना है, जो डीएम मास माने हैं उसका लेंथ कितना है, तो ये है आर साइन थीटा। तो रटने की बात नहीं, कहां से क्या है सब आपको हम बता रहे हैं। ये डीएम कॉन्सेप्ट है, हमेशा यहां छोटा सा मास है वो आपको ज्ञात करना है इस टर्म में। तो चूंकि मास, हाँ इस चेन का मास क्या है ये हमें ये जानकारी में होना चाहिए, और रेडियस आर दिया है, तो कितने लेंथ में ये मास है, देखिए पूरी जो सर्कमफेरेंस होता है वो 2πr होता है, आधा अगर लेते तो पाई आर होता, आधे का आधा है तो पाई आर बाई टू, पाई आर बाई टू लेंथ चेन का जो मास है वो है यम। तो यूनिट लेंथ का मास जो होगा वो होगा स्मॉल यम अपॉन पाई आर बाई टू, ये पाई आर बाई टू ये अपने प्रोसेस के अनुसार टू ऊपर जाएगा तो टू यम अपॉन पाई आर आया, इतना यूनिट लेंथ का मास इतना है, और यूनिट लेंथ का मास ये होता है डीएम अपॉन डीएक्स भी होता है, डीएम अपॉन डीएक्स भी होता है, हम बता चुके हैं आपको। तो डीएम इक्वल टू हो जाएगा टू एम अपॉन पाई आर इंटू क्या डीएक्स, यहां पर डीएक्स भी हमको हटाना पड़ेगा, यहां पर डीएक्स भी हमको क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा। तो dx के लिए हम लिखेंगे r साइन थीटा, क्योंकि हम ये प्रॉब्लम हल कर पाएंगे ये थीटा वेरिएबल लेकर, थीटा जीरो से लेकर 90 तक लेकर चलेंगे तब हम उसे हल कर पाएंगे। तो हमारा जो हो जाएगा 2m, हमारा हो जाएगा 2m अपॉन पाई r dx के स्थान पर हो जाएगा r साइन थीटा। तो हम देख रहे हैं r से r कैंसिल हो रहा है, 2m अपॉन पाई आर पहले से था और dx के स्थान पे आ रहा है r साइन थीटा, यहां देखिए dx के स्थान पे आ रहा है r d थीटा, यहां से r d थीटा, तो यहां भी हो जाएगा क्या r d थीटा, r से r कैंसिल। अब हम लोग dm के स्थान पे ये चीज प्रयोग करेंगे 2m अपॉन पाई डी थीटा, चलिए करते हैं। तो du को और क्लियर करते हैं, छोटा सा dm मास का पोटेंशियल एनर्जी हमारा है, dm के स्थान पर लिखेंगे 2m डी थीटा अपॉन पाई, 2m डी थीटा अपॉन पाई, ये हमारा आया dm के स्थान पे गुणे जी आर साइन थीटा, इतना आया। अब इसको और सफाइस करते हैं, 2mgr अपान पाई साइन थीटा डी थीटा, ये du इक्वल टू आया, छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी पता चल गया। अब बस विद्यार्थी खत्म हो गया, टोटल पोटेंशियल एनर्जी u इक्वल टू हो जा रहा है वो जीरो से कितना पाई बाई टू, और यहां क्या du हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू। अब वैल्यू हम रखते हैं तो 2m जी आर बाई पाई साइन थीटा डी थीटा, जो चीज कांस्टेंट है उसे हम बाहर ले लेंगे। तो हम देख रहे हैं 2m जी आर अपॉन पाई ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, रेडियस कहीं बदल नहीं है, हर जगह कैपिटल आ रही है, तो उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो 2m g कैपिटल r अपॉन पाई ये कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 है, ये है साइन थीटा डी थीटा, इतना आया। यस साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो 2m g r अपॉन पाई ये होता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट लगाएंगे 0 से पाई बाई 2, इतना करेंगे ये हो जाएगा 2m g कैपिटल r अपॉन पाई अगले ब्रैकेट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का कॉस 0, और कॉस पाई बाई 2 का मान 0 होता है, कॉस 0 मान 1 होता है।
तो अंत में आया 2mg R/5। यस, और ये तो क्या आएगा, 0+1 मतलब कोई बात नहीं, आंसर जो आ रहा है वो यूजल टू आ रहा है 2mg R/5। ये आंसर आ, तो हाँ विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।